हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया आज बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर के केयर के बारे में बात करूंगी। फ्रेंड्स, इसका नाम मिराबिलिस, गुल अब्बास, गुला बासी है। साथ में इसको ब्यूटी ऑफ नाइट और 4 o'clock भी कहा जाता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये शाम को 4 बजे से खिलना शुरू हो जाते हैं और दिन में 9-10 बजे तक खिले रहते हैं। मेनली तब तक जब तक कि सूरज की रोशनी ना पड़े। जैसे जैसे सूरज की गर्माहट इनमें पड़ने लगती है, इनका बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस दिन बादल रहते हैं उस दिन ये सारे दिन ही खिले रहते हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट है, यानी कि एक बार अगर आपने अपने गार्डन में लगा दिया तो समझ लीजिए सालों साल ये आपके गार्डन की ब्यूटी बढ़ाते रहेंगे और आपको इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। मिराबिलिस प्लांट के कई कलर्स के फ्लावर आते हैं, जैसे कि पिंक, वाइट, येलो, रेड। सभी कलर्स बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे पास इसका वाइट और येलो भी था। वाइट वाला तो ख़राब हो गया, येलो का प्लांट छोटा सा है। यहाँ काफ़ी जंगल सा हो गया था तो मुझे निकालना भी पड़ गया था। ये मैजेंटा कलर बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसके प्लांट के पास से बिल्कुल हल्की हल्की सी खुशबू आती है। फ्रेंड्स, इस 4 o'clock की फ्लावरिंग जो है ये अप्रैल में शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक चलती है। अब हम लोग इसके केयर इंस्ट्रक्शंस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो है ये सनलाइट लविंग प्लांट है, यानी कि सन की रोशनी जो है इसको बहुत अच्छी लगती है। इसको ऐसी प्लेस में लगाएं जहां कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले। इसको रोज़ पानी देना चाहिए, चाहे गमले में लगा हो चाहे ग्राउंड में। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये इतना हार्डी प्लांट है। एक बार मैंने 2-3 दिन इसको पानी नहीं दिया क्योंकि मैं परेशान हो गई थी इससे। मैंने कहा था सूख के चला जाइए, ये ऑलमोस्ट सूख सा गया था, लेकिन बाद में हमें ख़राब लगा और 4 दिन बाद से फिर मैंने पानी देना शुरू कर दिया तो इस प्लांट में फिर से न्यू लीव्स आना शुरू हो गई। हाँ फ्रेंड्स, ये ज़रूर हुआ कि इसकी फ्लावरिंग उस बार में काफ़ी दिन बाद शुरू हुई। इस 4 o'clock में किसी भी तरह की डिजीज़ नहीं लगती है। एक आध लोगों से सुना है कि उनके एम्फिड्स लग गए हैं, लेकिन हमारे इस प्लांट में तो अभी तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कई जगह पर इसको हेज के रूप में भी लगाया जाता है क्योंकि जो जानवर हैं वो इसकी पत्तियों को नहीं खाते हैं। मेरे पास ये वाला प्लांट 6-7 साल से हुआ है, अभी तक कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। ये जो प्लांट है ये किसी भी तरह की सॉइल में चल जाता है, कोई भी अलग तरह की सॉइल नहीं बनानी पड़ती है। इसके सीड्स जो हैं ये आसपास के सभी गमलों में गिर जाते हैं और अपने आप ही वहाँ पर प्लांट निकल आता है। चाहे आप फर्टिलाइज़र डालो या ना डालो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल दिया है तो हाँ, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, इसका प्रोपोगेशन जो है ये सीड से, कटिंग से और ट्यूबर से होता है। कटिंग सूखने पर बनती है इसके फ्लावर्स की। जब प्लांट ये जो साल भर का हो जाता है तब उसकी रूट में से ये ट्यूबर बनते हैं। सीज़न आने पर ये अपने आप ही इनमें से स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। ये अधिकतर जो है मार्च अर्च में होता है। जब सर्दी शुरू होती है तब इसके सीड्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मेनली नवंबर से जो फ्लावर्स होते हैं ये सीड फॉर्मेशन शुरू करते हैं। सीड्स जो हैं ब्लैक कलर के बड़े बड़े से होते हैं, बिल्कुल ब्लैक पेपर की तरह लगते हैं। उसे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर कहीं से भी आपको सीड वगैरह मिले इसका तो ज़रूर लगाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स।